तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो यार आज का जो हमारा चक्कर लगा था वो था रहमान बिरयानी, ओ सॉरी लेट मी करेक्ट, अल रहमान बिरयानी जो कि खारा घर में है। एक दिन में कितनी देखे निकल जाती हैं? तो मैंने अल रहमान बिरयानी का इतना नाम सुना था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सीधा पूछ लिया कि भाई एक दिन में कितनी देगें निकल जाती हैं। तो भाई ने कहा एक दिन में 20 से 30 देगें इनकी निकल जाती हैं माशाल्लाह से। तो जब तक हमने भाई को अपनी बिरयानी का ऑर्डर दिया, मैंने सोचा आपको वहाँ के थोड़ा सा माहौल दिखा दूँ कि क्या माहौल है। और माहौल कुछ ये था कि इतना रश हो रहा था भाई, माशाल्लाह से इतना रश हो रहा था कि मुझे तो देख के ही अंदाज़ा हो गया था कि बिरयानी 10-10 होगी ही, और इतनी ही देर में बिरयानी भी आ गई हमारी। तो हमने बिरयानी के पहले सिनेमैटिक्स लिए, उसके बाद टेस्ट की। अरे अरे मुझे पता तुम लोग को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी इस गुस्से को पी जाओ और सीधा पहुंचो खारा दर अल रहमान बिरयानी और जाके एंजॉय करो वहाँ की बिरयानी। तो भाई मैंने इनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि मुझे आलू पसंद है बिरयानी में, तो आप मेरी बिरयानी में आलू डाल के ले आएँ। तो भाई ने एक अलग से प्लेट में आलू चावल डाले जो कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। टू बी होनेस्ट, ऐसी सर्विस और ऐसी बिरयानी मैंने आज तक ना देखी ना खाई। तो आपने बीच में चेक किया होगा वीडियो में कि ये बार बार आके मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपको कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने नोट किया होगा कि इनका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। तो जी अगर सबसे पहले आपके भाई ने अपना फेवरेट आलू उठाया और थोड़े से स्पाइसी चावल लिए और सबसे पहले इसका लिया मैंने बाइट। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बाइट लेते ही मेरे ज़बान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। टू बी ऑनेस्ट मैं बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोग को बिरयानी का कंपैरिजन करना है तो एक तरफ आप अल रहमान बिरयानी रखें, दूसरी तरफ जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है वो रखें। तो भाई फिर बारी आती है चिकन के बाइट की, और इनकी जो चिकन है वो काफ़ी टेंडर है एंड जूसी है। मुझे ऐसे ही चिकन पसंद है, बिरयानी की चिकन ही ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी सी जूसी हो और टेंडर हो। तो भाई बिरयानी के साथ आलू रायता और सलाद ये सब हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो मैंने उसके बाद रायते के साथ टेस्ट किया, तो रायते के साथ भी बस एक ही चीज़ आई कि मज़ा आ गया भाई। फुल होगा बड़ी जबरदस्त रहमान बिरयानी 10-10। अब आप बताइएगा अपनी बिरयानी के बारे में। बिरयानी हमारी माशाल्लाह आपने खाई होगी, बहुत ज़बरदस्त सही है ना। और ऐसी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई, मैंने और भी जगह खाई है लेकिन ऐसी बिरयानी कहीं नहीं मिली। बहुत शुक्रिया आपका। और ये कब से खोला हुआ है आपने? हमें हो गए 12 साल। और अभी इसकी कितनी ब्रांचेस हैं? हमारी 3 ब्रांच है। एक मार्केट में, एक जावदीन पे, और एक ये खारा दर वाली है। खारा दर वाली मेन खारा दर मार्केट में तो करी है। अच्छा जी, तो ये है इनका रहमान बिरयानी का 3 ब्रांचेस हैं। जैसा ही अल रहमान बिरयानी के ऑनर को पता चला कि मैं यहाँ पे फूड ब्लॉग बनाने आया हूँ, वो अपने ऑफिस से उठ के आए, उन्होंने मुझे अपनी तीनों ब्रांचेस का विज़िट करवाया जो खारा तर में ही बनी हुई हैं। उन्होंने उसका विज़िट करवाया वहाँ के, उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाएं ईजी हो के, जिस तरह के आपको शॉट चाहिए उस तरह के आप शॉट लें और अच्छी सी वीडियो बना के आप अपलोड करें। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को भी बोला कि अच्छे अच्छे निकालो। उन्होंने कहा ये बहुत फेमस है टिकटॉक पे, इनके जो है वो व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, मतलब ये आलू आलू उछाल के ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, फुल चपैक सीन होता है। तो इनकी बिरयानी टेस्ट के साथ साथ रेट में भी बहुत अच्छी थी। 200 की चिकन बिरयानी थी और वो चिकन बिरयानी इनफ थी एक पर्सन के लिए। तो जितनी देर में मैंने अल रहमान बिरयानी के ओनर से बात की, मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे, और 10 से 15 मिनट में इनकी ये 20 किलो की देख एकदम खाली हो चुकी थी, बिल्कुल खाली हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। सो गाइस मीट हिम, ये है अल रहमान बिरयानी के शेरा भाई जो कि बबलू भाई के नाम से मशहूर थे। इन्होंने हमें डील किया और बहुत अच्छे से डील किया।